कुंभ को देखते हुए परिवहन निगम ने बसों की चाक चौबंद व्यवस्था शुरू कर दी है। कुंभ के तहत परिवहन निगम के लिए 6 तारीखें महत्वपूर्ण रहेंगी। इन तारीखों को देखते हुए करीब 9 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए प्रयाग नगरी पहुंचेंगे। सभी श्रद्धालुओं को कुंभ तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन किया जाएगा। पूरे कुंभ मेला में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से दर्शनार्थ है, वहां पर कुंभ में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने विस्तृत व्यवस्था कर दी है। जो मुख्य स्नान पर्व है, जिस समय अत्यधिक श्रद्धालु वहां पे आते हैं, उनके दृष्टि देखते हुए हम लोगों ने पीक डेज में 5,000 बसों का संचालन का जो है लक्ष्य निर्धारित हम लोगों ने किया हुआ है। शेष दिवसों में फिलहाल हम लोग 2,500 बस के हिसाब से जो है हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर उससे अधिक बस हम लोग संचालन करने के लिए तैयार हैं। तो इस बार जो प्रायः देखा जाता है कि जो मुख्य पर्व है उस समय बसों का आवागमन और जो निजी वाहनों का आवागमन काफी दूर में पार्किंग स्थलों पर रोका जाता है, वहां से श्रद्धालुओं को आने में कठिनाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में जो ऐसे मुख्य स्नान पर्व है उस समय जो है जो श्रद्धालुओं को जो दूर रोका जाता है उनके लिए फ्री शटल बस संचालन के लिए निर्णय दिया गया है। उसके लिए हम लोगों ने मुख्य स्नान पर्वों के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के लिए 500 बसों की हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है, जो निःशुल्क सेवाएं होंगी। अन्य दिवसों पर भी हम लोगों ने लगभग 217 बस संचालन के लिए मेला प्रशासन के अनुरोध पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो वहां के सिटी बस की मांग थी वहां पर संचालित होगी।